Days after Kashmir's all-girl rock band was flooded with online hate messages, now Kashmir's top religious leader, the Grand Mufti, has issued a fatwa of sorts, prohibiting them from taking part in any music concert. The band members are silent in the face of yet another case of unofficial censorship. ऐसा है म्यूजिक या म्यूसिकी ये हर कल्चर में पसंद की जाती है और म्यूसिकी सूफियाना अंदाज में भी कही जाती है. सूफियाना अंदाज में म्यूजिक जो हमद और नात में भी लोग सूफियाना म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं जो पूरी दुनिया में एक खास म्यूजिक होती है. अगर रॉक म्यूजिक है तो ये आप वेस्टर्न कल्चर को क्यों अपना रहे हैं. हमारा हिंदुस्तान हो चाहे इस्लाम हो इसकी अलग एक म्यूसिकी एक अलग कल्चर एक बुनियादी म्यूजिक है म्यूजिक है और हमारे हिंदुस्तान की म्यूसिकी का तो पूरी दुनिया में कहीं भी कोई मुकाबला नहीं हो सकता है. देखिए गलत है. वैसे तो सबका अपना अपना जिसे कहना चाहिए कि मानसिकता होती है और रीति रिवाज भी होते हैं सब होता है. लेकिन मैं ये मानती हूँ कि बच्चियों को आज़ादी के इतने साल बाद अगर हम किसी काम के लिए रोकते हैं तो हमारा एक ये दोहरा एटीट्यूड नजर आता है. एक तरफ तो हम कहते हैं कि लैंगिकता समान होनी चाहिए और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि लड़कियों पे ये रोक लगाइए वो रोक लगाइए लड़कियां ये नहीं कर सकती. जिसकी जो इच्छा होती है वो रोज कुछ ना कुछ लड़कियों के लिए कमेंट कर देता है. मैं सोचती हूँ बिल्कुल गलत है और अगर वहां भी ऐसा है तो गलत है. कुछ भी बात कह देना मजहब के नाम पे मैं समझती हूँ ये मजहब के साथ इंसाफ नहीं है. गलत बात. आपको गाना पसंद नहीं आप मत सुनिए मगर मजहब का नाम लेके बना करना मैं नहीं समझती कि ये सही कदम है. ये एक गैर जरूरी कंट्रोवर्सी है. इसमें मुझे नहीं लगता कि हमें ज्यादा न एक तरफ की बात सुननी चाहिए न दूसरी तरफ की. मुफ्ती साहिबान ने अब ये एक फतवा देना एक पेशा बना दिया है हर एक मौजू पे जिसकी वजह से मजहब बदनाम हो रहा है. अदरवाइज म्यूजिक जो है कश्मीर की जिंदगी का एक हिस्सा है. जैसे हर कोई सोसाइटी हर कोई समाज में म्यूजिक अपने अपने तरीके पे रहा है यहाँ भी रहा है. और हमारे पास मेल और फीमेल दोनों किस्म के गलूकार रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पे जिनका नाम बना है. राज बेगम रही है जून बेगम रही मेहताब बेगम नसीम बेगम और आजकल भी छोटी छोटी लड़कियां गा रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही. लड़के भी इसी तरह काम कर रहे और गुलकारा हमारी एक शमीम आजाद जी हैं. तो मीर फरीद नाउ जॉइनिंग अस फॉर मोर ऑन दिस. फरीद नाउ दैट दिस फतवा हैज बीन इश्यूड प्रोहिबिटिंग द गर्ल्स फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन म्यूजिक कॉन्सर्ट्स एंड द गर्ल्स एंड देयर फैमिलीज देमसेल्व्स आर साइलेंट व्हाट इज द गवर्नमेंट स्टैंड ऑन दिस. He says that really has to be seen as the stand of the government until and unless the government really does not come out and come clean and say that this is his own will and he has a responsibility. So we really don't totally detach ourselves from him. But that also hasn't happened. So clearly as of now, this can be taken as a kind of a stand of the government simply because Grand Mufti, as I said, is a part of the government machinery. He is the official Mufti of the Kashmir Valley. So whatever he says has some credence in the sense that he is the official Mufti. So in that sense the government really will have to come clean. I mean tweets are fine but then there has to be an official thing an official version some official really coming out from the government side and saying and coming clean on this because previously on Saturday we saw Umar Abdullah tweeting and making it clear that he condemns the threats that have been given to these girls. They have every right to choose. We live in a democracy and there's every right to choose. If they have chosen music as their profession they have every right to pursue it. But after that now the Grand Mufti really comes out part of the government machinery. So government will really have to come out and really make things clear as to on which side do they really stand, on the side of the Grand Mufti who is really issuing a fatwa against these girls or what Umar Abdullah said in his tweets 2 days back.